गाइज, अगर आप लोग भी अपना पूरे बॉडी का वेट कम करना चाहते हैं, अपने फैट को खत्म करना चाहते हैं, तो इस तरह के डंबल्स आप खरीद लीजिए जो ज्यादा महंगे भी नहीं मिलते, और बिना जिम जाए आप खुद के ट्रेनर खुद बन सकते हैं और अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट, जो काफी इंटेंस होने वाला है, हार्ड होने वाला है, और उसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त आएगा। तो देरी किस बात की यार, रेडी हो जाओ और स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोजीशन में बैठ जाना है, हमने साइड पे लोड डालना है, आपने लेना है डंबल, आपको अपनी बैक को थोड़ा सा पीछे बेंड करना है, लेग्स को इस तरह से होल्ड करना है, 1 2, इस तरीके से आपको करने हैं 10 रैप्स, और 10 रैप्स से करने हैं आपको 4 सेट्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपने अपर साइड से डंबल को होल्ड करना है, तभी उसका लोड आपके टमी एरिया पे और आपके साइड्स पे आएगा, और वहां का जो फैट है वो रिड्यूस होगा। इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं बहुत अच्छा क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो 3 दिन मैं आपको फुल टाइम दूंगी, जिसमें मैं आपका शेड्यूल फिक्स करूंगी कि पूरा दिन आपको क्या खाना है और क्या वर्कआउट करना है। तो आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरी प्रॉपर गाइडलाइन देने वाली हूँ कि कब आपके पानी पीने के टाइमिंग्स होंगे, कब आपको एग्जैक्ट टाइम सोना चाहिए। मतलब 3 दिन आप पूरा मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं हर चीज़ की। तो अगर आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को कम से कम 40 लोगों के साथ शेयर करना होगा, और उस चीज़ का स्क्रीनशॉट आपको मुझे करना होगा मेल। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी है, वहां पर जाएं, उसका स्क्रीनशॉट भेजें। और अगर आप लोग जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें से मैं किसी एक का नाम अनाउंस करूंगी नेक्स्ट संडे, आज संडे है, ये वीडियो आप देख रहे हैं, और नेक्स्ट संडे में अनाउंस करूंगी उसका नाम विनर का, और आने वाले 3 दिन यानी मंडे ट्यूजडे वेनसडे मैं उनके साथ बातचीत कर पूरे 3 दिन का शेड्यूल सेट करूंगी। तो 3 दिन वो मुझसे बात कर सकते हैं और अपना रूटीन सेट कर सकते हैं मेरे साथ में। तो अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें 40 लोगों के साथ और मुझे मेल करें। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। अपने पैरों को ज्यादा नहीं खोलना, बहुत लोग इस एक्सरसाइज में गलती क्या करते हैं, अपने पैरों को ज्यादा वाइड कर लेते हैं, तो वाइड करने से हमारी बॉडी सपोर्ट ले लेती है और इस एरिया पे लोड नहीं आ पाता। तो आपने ध्यान क्या देना है, अपने पैरों को ज्यादा ब्रॉड नहीं करना, जितना मैं ओपन कर रही हूँ सेम आपको इतना ही ओपन करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। एक हैंड आप यहाँ पे रखिए अपने हेड पे, साइड पे जितना जा सकते हैं, थोड़ी देर होल्ड करिए, स्लो मोशन में ऊपर आइए। बहुत लोगों को आपने देखा होगा ये करते हैं, ये ऐसा आप अगर 100 या 500 भी कर लोगे ना तो भी आपके लव हैंडल एज इट इज रहेंगे। एक्सरसाइज हमेशा स्लो मोशन में आपके उस एरिया पे लोड डालती है और ज्यादा टफ हो जाती है, तो ध्यान रखें इस चीज का, स्लो मोशन में करें। बॉडी को थोड़ी देर नीचे जाके होल्ड करते हैं ना, तो आपको खुद फील होगा आपकी बॉडी ट्विस्ट होगी और यहाँ के मसल पे इफेक्ट आएगा और आपको पेन होगा। वो पेन ना आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, समझ लीजिएगा आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है। सेम आप अदर साइड पे आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अब बारी आती है हमारी थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज में करने वाले हैं हम अपनी आर्म्स पे काम। इस तरीके से आपको उसको रखना है डंबल को, ये पोजीशन होगी, सिर्फ इस तरीके से रखना है आपको अपने हाथों के सपोर्ट से, और उसके बाद आपको जाना है पीछे डंबल लेके, ये बाजू आपकी कान से चिपकी रहेगी, आपको ऊपर लिफ्ट करना है, देन वापस डाउन जाना है।
ऐसे आपको करने हैं 15 के 4 सेट, यानी 15 रैप्स के 4 सेट। करने वाले हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज में हम कौन से बॉडी पार्ट पे काम करेंगे? अपनी बैक पे, जो आपके बैक के जो आपके लव हैंडल्स यानी बल्जेस आ जाते हैं टायर्स, वो साइड पे निकल रहे होते हैं, हम उस एरिया पे लोड डालेंगे। और इस एरिया पे लोड डालने से डबल बेनिफिट क्या होगा, आपका जो सेकेंडरी मसल होगा, आपका जो पेट है, यहाँ से उसको कट मिलना शुरू हो जाएगा, एक प्रॉपर शेप आएगी, आपकी जो पेट यहाँ से फूल जाता है उसको प्रॉपर शेप मिलेगी। आपको डंबल्स इस तरीके से होल्ड करने हैं, बाजू की पोजीशन ये रहेगी, 1 2, आपको ऐसे जाना है, 1 down 1 up, 1 down 1 up। इससे आप खुद नोटिस करेंगे जो आपका बैक था वो फैला हुआ था वो स्क्वीज होने लगेगा और वहाँ के इंचेस लूज होंगे, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। आपको करने हैं 10 के यानी 10 रैप्स के 4 सेट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए डंबल को उठाना है, आपको अप डाउन जाना है, इससे आपकी कमर बेंड होगी और जो आपकी वेस्ट फैली हुई है वहाँ पे कोई कट नहीं है, वहाँ पे एक अच्छा कर्व आने लगेगा, एक प्रॉपर आपकी बॉडी वहाँ से टोन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी नीज बेंड नहीं होंगे, सिर्फ कमर नीचे जाएगी, ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी। इसके हमें करने हैं 15 के 4 सेट, यानी 15 रैप्स के 4 सेट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे एक्सरसाइज के सारे सेट्स, तो ऐसे ही कुछ नया देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।